नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा नई मंडी में 4 मंजिला इमारत व जानथट रोड स्थित एसटी पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग को रोक दिया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा आज बड़ी कार्रवाई की गई। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा नई मंडी क्षेत्र में जानथट रोड पर जानथट फ्लाईओवर के नीचे एक बिल्डिंग को सील किया गया। वहीं मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा जानथट रोड स्थित एसटी पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग के बेसमेंट एवं फर्स्ट फ्लोर को सील कर दिया गया है। एमडीए सचिव ने बताया यह बिल्डिंग बिना नक्शे के पास कराए ही बनाई जा रही थी, इसलिए आज यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जनपद में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। क्या कमी है? ये बिल्डिंग सैंक्शन मैप के अगेंस्ट बनाया गया था और इसमें सेटबैक नहीं छोड़े गए थे। इनको नोटिस दी गई थी और काम रोकने का आदेश दिया गया था, उन्होंने आदेश का वायलेशन किया, इसलिए सील किया गया। सर, जनपद में इस तरह की कई बिल्डिंग है जहाँ पर सब भी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में जाट कॉलोनी स्थित स्टेडियम के समीप बिजली घर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रस्तावित विघटन व निजीकरण को व्यापक जनहित में निरस्त किए जाने हेतु धरना प्रदर्शन किया, जिसमें विद्युत कर्मचारियों ने बताया कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण हुआ तो इसका उपभोक्ताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कई जगह विद्युत का निजीकरण होने के बाद भी कोई भी सही रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए जब तक सरकार विद्युत निजीकरण को निरस्त नहीं करती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कई रोज़ से हम लोग आपको बाइक भी दे रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, मालूम तो होगा ही कि हमारा संघर्ष 18 तारीख से चल रहा है लगातार। जो हमारा विभाग है इसका निजीकरण किया जा रहा है, और निजीकरण ये हमारा पूर्वांचल से सरकार ने शुरू किया है कि पूर्वांचल हमारे इसके 4 अंचल है, पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल। तो हमारे 4 अंचलों में ये चल रहा है, क्योंकि पहले फेज़ में ये पूर्वांचल को जो है ये वो क्या नाम निजीकरण में कहा तुम दे रहे हैं, और उसकी प्रक्रिया करीब करीब अंतिम चरणों में है। तो किस तरह की दिक्कतें आएंगी अगर निजीकरण हो? अगर निजीकरण हो गया तो हर तरह की दिक्कत ही दिक्कत है। जो बिजली आज आपको सपोज 4 रुपये यूनिट मिल रही है आम उपभोक्ता को, वो बिजली कल 9 रुपये यूनिट होने की संभावना पूरी है, क्योंकि जो कंपनी इसको लेगी वो तो एक व्यापारिक संगठन व्यापारी है। व्यापारी तो व्यापार करने आया है, उसको व्यापार में फ़ायदा होगा तो आपको बिजली देगा, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों बिजली देगा आपको। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, यदि संघर्ष का कोई समाधान नहीं हुआ फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? नहीं, हम ये क्यों मान के चले हमारा समाधान नहीं होगा? हम तो शासा के साथ ही ये संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा पूरा समाधान होगा। इसका समाधान होगा पूरे प्रदेश में है, ये केवल मुजफ्फरनगर में नहीं है। जो हमारी संघर्ष समिति बनी है लखनऊ स्तर पर, उसके निर्देश पर ये सब कार्यक्रम चल रहा है और ये है। और चाहे इसका एक और भी मैं आपको बता दूं कि आज तक जो बिजली बोर्ड ने, जो UBPCL ने प्राइवेटाइजेशन किया है, कैस्को का किया है, नोएडा में किया है और टोरंटो आगरा में किया है, सब जगह फेल है। और मज़े की बात यह है कि जब ये संगठन जाके प्रशासन से निगम के प्रशासन से बात करते हैं कि साहब ये क्यों कर रहे हैं, आपने पहले किया है तो इसका कोई पॉजिटिव फ्रूटफुल कोई रिजल्ट निकला है क्या? आप ताज्जुब करेंगे सुन के, आप हंसेंगे सुन के कि वो मानते हैं खाई हमसे पूर्व में गलती हुई है, फिर उसी गलती को दोबारा दोहरा रहे हैं। तो ये क्या है? ये हठधर्मिता है, डिपार्टमेंट की कह लें, सरकार की कह लें, इसकी भी है, ये हठधर्मिता है। तो इस हठधर्मिता के खिलाफ हम लोग यहाँ एकजुट हैं और हमेशा संघर्ष को जारी रखेंगे अपना। कल हमारा मिसाल जुलूस था जो कि बहुत सफल रहा, और आज ये हमारा कार्यक्रम भी सफल है और कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार में खंड विकास अधिकारी व नायब तहसीलदार ने समस्त सुपरवाइजरों BLO को प्रशिक्षण दिया तथा सभी को मतदाता पुनरीक्षण संबंधी सभी सामग्री का वितरण किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020 के मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लगाए गए पर्यवेक्षक और BLO का प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को चरथावल ब्लॉक सभागार में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति ने की। BDO तुलसीराम प्रजापति ने बताया कि 1 जनवरी 2020 तक 18 वर्ष की पूरी उम्र कर चुके व्यक्तियों की वोट बनाई जाएंगी, इसलिए पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ मृतक व शादीशुदा व्यक्तियों के वोट काटने के कार्य के साथ साथ संशोधन का कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर घर जाकर जाँच की जाएगी। इसके लिए 6 से लेकर 12 नवंबर की तिथि तय की गई है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नामावलियों की विस्तृत परीक्षण हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसके क्रम में आज विकासखंड चरथावल में BLO और सुपरवाइजर
इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो 1 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक घर घर जा कर के जो नाम छूटे हैं या बढ़े या कटे हैं या किसी कारण से संशोधन करना है, ये इसका विस्तृत परीक्षण करेंगे। उसी के संबंध में आज ये विकास खंड में एक ट्रेनिंग आहत की गई है। कितने दिन चलेगी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग आज ट्रेनिंग था आज थे सभी बीएलओस को आज दे दिया गया, बाकी कल 1 तारीख से ही अपना घर घर जाए कार्यक्रम शुरू। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर एक मकान में सट्टेबाजी करते 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से सट्टा पर्ची सहित 12,400 रुपए की नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने पकड़ के सट्टेबाजों का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस ने सट्टा खेलते 3 सट्टाबाजों को हजारों की नकदी सहित मौके से गिरफ्तार किया। दरअसल कस्बा इंचार्ज जोगेंद्र चौधरी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चरथावल में एक मकान से सट्टा खेला जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर कस्बा इंचार्ज जोगेंद्र चौधरी ने कांस्टेबल महेंद्र संजीव आदि के नेतृत्व में मकान पर सट्टेबाजी करते 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सट्टेबाजों ने अपने नाम इरफान पुत्र सगीर, सलीम पुत्र नसीम निवासी गण चरथावल तथा आदेश पुत्र होशराम निवासी अमीनगर थाना जनपद मुजफ्फरनगर बताया। पकड़े गए सट्टेबाजों के पास से पुलिस ने 12,400 रुपए की नकदी व सट्टे के अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना अध्यक्ष सूबे सिंह का थाना भोपा में स्थानांतरण होने पर चरथावल थाना प्रांगण में थाना अध्यक्ष सूबे सिंह को समस्त स्टाफ व क्षेत्राधिकारियों द्वारा फूलमालाओं से भव्य विदाई दी गई। वहीं नवनियुक्त थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने चरथावल थाना पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। दरअसल SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव ने चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह का स्थानांतरण भोपा थाना अध्यक्ष के रूप में किया है। थाना अध्यक्ष सूबे सिंह चरथावल में करीब 15 माह तक तैनात रहे। पिछले 8 वर्षों में चरथावल थाने में सूबे सिंह का सबसे अधिक कार्यकाल रहा। उनका थाना भोपा में स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। थाने में समस्त स्टाफ सहित क्षेत्रवासियों व पत्रकारों ने फूल मालाओं के साथ उन्हें भावभीनी विदाई दी। वहीं थाना अध्यक्ष शाहपुर से चरथावल थाना अध्यक्ष बनाए गए धर्मेंद्र चौधरी ने चरथावल थाने पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस बल द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में पुलिस लगातार सतर्कता बरते हुए है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर में पुलिस बल द्वारा कोर्ट रोड पर पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान जनता से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील भी की गई। जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित COVID-19 टेस्ट कैंप पर कोरोना जांच की गई, जहां आए लोगों के लैब टेक्नीशियन द्वारा सैंपल लिए गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों के सैंपल भी लिए गए। आपको बता दें कि जनपद में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन नगर और ग्रामीण इलाकों में कोरोना के नियमों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। सड़कों पर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी नजर नहीं आ रहे। वहीं कई लोग बिना किसी कारण के ही सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन को बाजारों में सख्ती दिखानी चाहिए और COVID-19 के नियमों का सख्ती से पालन भी कराना चाहिए। अमरोहा के हसनपुर में नगर में SDM व CO ने चुनाव आचार संहिता का पालन कराते हुए नगर से होर्डिंग और बैनर उतरवाए। आपको बता दें कि जहां नौगावा विधानसभा रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव प्रक्रिया की तैयारी तेज हो गई है, वहीं क्षेत्र में पंचायत चुनाव को बिगुल बजते ही अधिकारी हरकत में आ गए हैं और SDM विजय शंकर के निर्देशों पर नगर पालिका परिषद EO निहाल सिंह ने टीम के साथ पहुंचकर नगर में मुख्य मार्गों चौराहों सहित बाजार से राजनीतिक होर्डिंग पोस्टर उतरवा दिए। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान संघ ने SDM कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर 5 सूत्रीय समस्याओं के निराकरण की मांग की। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा अमरोहा के नेतृत्व में नगर के ब्लॉक में SDM कार्यालय पर कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर SDM की गैर मौजूदगी में कार्यालय पर ज्ञापन सौंप दिया, जिसके माध्यम से कहा गया कि बकाया गन्ना भुगतान अविलंब ब्याज सहित दिलाते हुए प्रोग्राम के अनुसार अक्टूबर माह में ही चीनी मिल पैराई सत्र शुरू कराने की व्यवस्था की जाए। चीनी मिल की मरम्मत आदि कार्य सही प्रकार से अच्छे पुर्जों के साथ कराए जाए। समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सबसे बड़ी समस्या इस समय गन्ना भुगतान की है। दूसरा सत्र चालू होने को है और पिछले सत्र का किसानों का गन्ना बकाया। किसानों के पास अगर सरकार का कुछ बकाया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है।
बिजली बिल बकाया है तो आरसी काटी जा रही है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही है किसानों के खिलाफ। लेकिन किसानों का गन्ना जो बकाया है भुगतान गन्ना, उस पर कोई गंभीरता से कोई विचार करने को तैयार नहीं है। तो हमारी मांग है कि अविलंब किसानों का गन्ना भुगतान ब्याज सहित, सहारनपुर में एक चीनी मिल ने ब्याज दिया है, उसी तर्ज पर ब्याज सहित गन्ना भुगतान दिलाया जाए। दूसरी बात, इस समय चीनी मिल में मरम्मत कार्य चल रहा है, तो मरम्मत के नाम पे उसमें भी घोटाला होता है, घोटाला ना करके सही पुर्जे लगाकर ठीक ठाक मरम्मत उसकी कर दी जाए, जिससे सत्र में जिस समय चीनी मिल चालू रहता है उस समय वो बीच में बंद ना हो। हफ्ते में दो दो दिन चीनी मिल बंद रहता है पुर्जे खराब लगने की वजह से। और पुर्जे खराब क्यों लगते हैं? क्योंकि वो पैसा अफसरों की जिम्मेदार अफसर है, उनकी जेबों में जाता है। तो हमारी मांग है कि अब ठीक ठाक तरह से चीनी मिल को चालू कर दिया जाए। और अक्टूबर के महीने में जो चीनी मिल का वायदा है कि हम अक्टूबर में चालू करेंगे, तो अक्टूबर में ही चालू किया जाए, ये हमारी मांग है चीनी मिल से, प्रशासन से। दूसरी बात, जिन गांवों में तालाब के लिए जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, नाले बने हुए नहीं है, तालाब नहीं है, जिन साइडों में वहां पर जल भराव है अक्सर ये देखा गया, तो जहां पर तालाब की या जल निकासी की व्यवस्था नहीं है वहां पर सोखते की व्यवस्था की जाए, जिससे क्या वो पानी खराब ना हो और संशोधित होकर जमीन में चला जाए। और जो जल भराव है वहाँ एक एक साल से छह छह महीने से लोग जल भराव से वहाँ ग्रस्त हैं, बीमारी फैल रही है उनमें तरह तरह की, तो वो पानी साफ होकर जमीन में चला जाएगा तो उसका एक तो इस्तेमाल हो जाएगा, वाटर लेवल हमारा बढ़ जाएगा। तो ये सब मांगों को लेकर हमने जो है, बिजली विभाग भी तरह तरह से किसानों को प्रताड़ित करने पर लगा हुआ है, किसानों की जो लगातार बिल जमा कर रहे हैं उनकी आरसी काट दी। तो ये ऐसे जो गैर जिम्मेदार बिजली विभाग है इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन सब मांगों को लेकर हमने। अमरोहा के सैयद नगली प्रधानाचार्य उनके पति व पत्रकार द्वारा कोरोना को परास्त करने पर सम्मानित किया गया और एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के कस्बा सैयद नगली सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दिवाकर पांडे ने सम्मानित परिचय विचार गोष्ठी का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान केंद्र विद्यालय की वरिष्ठ आचार्य हितेश शर्मा एवं उनके पति नवीन कुमार शर्मा तथा पत्रकार मुजम्मिल हुसैन द्वारा कोरोना संक्रमण से जंग जीत कर सकुशल घर वापसी हो गई है। इस उपलक्ष्य में गोष्ठी के द्वारा पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रवास के क्रम में श्रीमान रोहतास कुमार विद्यार्थी जी का प्रवास है और प्रवास के क्रम में वो विद्यालय के समस्त आचार्यों के साथ एक बैठक चल रही है, जिसके माध्यम से कोरोना काल में जो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, हमारे हौसला कम ना हो, हौसला बुलंदियों पर रहे, इस निमित्त उनसे वार्तालाप चल रही है। इसके बाद ठीक प्रबंध समिति के साथ बैठना होगा, कार्यालय के अभिलेखों का मिलान देखभाल करना, उनको सही सूचना देना। और आज इसी तरह विद्यालय में लगभग तीन कार्यक्रम और थे। आज विश्व हृदय दिवस है, उस निमित्त भी सुबह वंदना सत्र में कार्यक्रम मनाया गया। उसके बाद जीव विज्ञान विषय की कार्यशाला लगी और उसके बाद एनईपी कंपटीशन, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस कंपटीशन के तहत जो साइट पर अपनी वीडियो, अपने कोई भी सामग्री कैसे अपलोड करें, उसके बारे में भी कार्यशाला आज हुई है। विद्यालय में आज इस प्रकार की चार कार्यशालाओं का आयोजन हुआ। सोमवार की देर शाम एक मीटिंग जानसठ ब्लॉक के बहादुरपुर मनपोड़ा में राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष अजीत राठी के निवास पर हुई। मीटिंग में 24 सितंबर को लोकदल के पदाधिकारियों पर मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा किए गए मुकदमों का विरोध किया गया। इस कड़ी में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों पर दर्ज हुए मुकदमे पर प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त किया। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संदीप तोमर व जिला अध्यक्ष अखिलेश चौधरी के आदेशानुसार यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष समर सिंह ने अपना पूर्ण समर्थन लिखित पत्र द्वारा राष्ट्रीय लोकदल को दिया। इस मौके पर जानसठ ब्लॉक अध्यक्ष समर सिंह चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष अजीत राठी, युवा जिला अध्यक्ष विदित मलिक, अश्विनी चौधरी, अरविंद चौधरी, सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी संजीव तोमर व जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर अखिलेश चौधरी का मेरे पे सुबह आदेश आया कि बहादुरपुर मनफोड़ा में अजीत राठी जी के निवास पे एक पंचायत है। पंचायत है, सभी अपना जो है तीन बिलों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे,
राष्ट्रीय लोकदल 24 तारीख को प्रदर्शन करने गया था जिलाधिकारी कार्यालय पर। तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं पर पदाधिकारियों पर मुकदमे दर्ज कर दिए प्रशासन ने। तो उसके खिलाफ उन्होंने पंचायत बुलाई हुई अपनी रणनीति बना रहे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष जी ने मुझे आदेश दिया कि भारतीय किसान यूनियन तोमर का पूर्ण समर्थन राष्ट्रीय लोकदल के साथ है और जो इन पर मुकदमे हुए उसका भारतीय किसान यूनियन तोमर पूरा पूर्ण रूप से विरोध करती है। मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश में रामलीला के मंचन की परमिशन देने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आयोजित बैठक में हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रामलीला के मंचन की परमिशन देने पर आभार जताया। हिंदू संघर्ष समिति की बैठक की आज की अध्यक्षता भागेश अग्रवाल व नरेंद्र गुज्जर द्वारा की गई। भागेश अग्रवाल ने बैठक में अपने विचार रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा रामलीला के मंचन की परमिशन देना एक सराहनीय निर्णय है। इस निर्णय से हिंदू संघर्ष समिति ही नहीं बल्कि हर हिंदू को मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहिए। हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक मनीष चौधरी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि रामलीला का मंचन हमारे समाज को राम जी के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। आज हिंदू संघर्ष समिति की एक मीटिंग शिव प्रागण में एचडी मार्केट में बहुत सभी संगठनों के साथ लेकर जो मुख्यमंत्री जी का निर्णय अभी पूरे प्रदेश के में लागू हुआ कि सभी रामलीला कमेटियों को रामलीला की जो उन्होंने आदेश जारी किया उसके लिए हिंदू संघर्ष समिति पूरे जोर शोर से उनका धन्यवाद करती है और आशा करती है कि जल्द ही मुखिया होने के नाते पूरे प्रदेश को पूरे जनपद को शासन को और प्रशासन को दोनों को सूचित करके सभी रामलीला कमेटियों को पदाधिकारी को बुलाकर उनके साथ मीटिंग की जाए और अविलंब अनुमति प्रदान करें। जैसे कि अभी नवरात्र भी आ रहे हैं तो उसमें हमारी ये भी मांग है कि नवरात्रों में कोई भी त्यौहार मनाने से हिंदू धर्म को बिल्कुल भी मना ना किया जाए, ये धर्म की आस्था का सवाल है। और दोबारा पुनः हम हिंदू संघर्ष समिति पूरे प्रदेश में जो मुखिया हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनसे एक निवेदन करते हैं कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जो है श्री रामलीला जो भव्य हिंदू की आस्था का आयोजन होता है समय समय पर होता रहे और दशहरे में दशहरा जैसा होता है उसमें भी सभी कारोबारों को काम भी मिलेगा, आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होगी। लाखों करोड़ों रावण और कुंभकर्ण बनाए जाते हैं जिनको नाश का प्रतीक है। तो हमारी हिंदू संघर्ष समिति यही निवेदन करती है कि उनको भी बहुत तुरंत उनको छूट दी जाए और इस कारोबार को बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग लें और उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसमें एक निवेदन हमारा और है कि जैसे हमारे पुजारी भाई हैं ब्राह्मण विशेष, उनकी अभी तक इस कोरोना महामारी में कोई भी मदद प्रदेश सरकार ने नहीं की है। हमारा हिंदू संघर्ष समिति द्वारा एक निवेदन यह है कि जल्द ही ब्राह्मणों को पुनः एक सैलरी बेस दी जाए जैसे कि मौलवियों को दी जाती है, अन्यथा हिंदू संघर्ष समिति जल्दी बहुत आंदोलन करेगी और सभी ब्राह्मणों को साथ लेकर ये मांग करती है। वरना हिंदू संघर्ष ये चैलेंज करती है कि पूरे प्रदेश में अधिक से अधिक आंदोलन होंगे अगर ब्राह्मणों के साथ ये न्याय नहीं हुआ तो। मुजफ्फरनगर में सब्जियों के दाम अभी भी आसमान छू रहे हैं, जबकि सब्जी की आवक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है फिर भी सब्जियों के दाम घटने का नाम नहीं ले रही। सब्जियों पर महंगाई की मार इस कदर पड़ रही है कि गरीब आदमी के लिए तो क्या, यह मध्यम वर्ग के लिए सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया है। कोविड 19 के चलते एक तरफ तो बेरोजगारी की मार और दूसरी ओर सब्जियों की महंगाई की मार से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सब्जी का स्वाद मुश्किल होता जा रहा है। कहने को तो वर्षा ऋतु का मौसम है लेकिन काफी दिनों से वर्षा न होने और मौसमी सब्जियों की आवक बढ़ने के बावजूद भी न जाने सब्जियों के दाम घटने का नाम नहीं ले रहे। जबकि बीते मार्च से मई लॉकडाउन के दौरान सब्जियों के भाव लगभग आज के भाव से आधा थे, परंतु सितंबर का महीना अंतिम चरण पर है तथा मौसमी सब्जियों की आवक बढ़ने लगी है फिर भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मात्र सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है लेकिन बहुत ज्यादा महंगी सब्जियां गरीब आदमी के लिए तो क्या, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी खरीदना मुश्किल हो गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।